अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के बारे में। इफ़ यू फोकस ऑन द नेम ऑफ दिस टॉपिक तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एसोसिएशंस दैट आर एग्जिस्टिंग फॉर वेलफेयर पर्पसेस। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट का जो फ्रेज है दैट सिंपली मीन्स दैट एसोसिएशन डज नॉट हैव प्रॉफिट मेकिंग एज इट्स प्राइमरी पर्पस। सिंपल। लेकिन इस चीज़ में मैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये क्लियर कर दूँ कि नॉट फॉर प्रॉफिट का ये मतलब हरगिज़ नहीं है दैट दीज काइंड ऑफ एसोसिएशंस आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अर्निंग और मेकिंग प्रॉफिट्स। सो बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट का ये मतलब नहीं है कि इन एसोसिएशंस को प्रॉफिट कमाने के ऊपर पाबंदी है, बल्कि इसका मतलब कुछ और है जो कि हम इवेंचुअली अभी देखेंगे। तो होपफुली आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एग्जिस्ट्स फॉर वेलफेयर पर्पसेस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, यानी कि इनका मकसद वेलफेयर से रिलेटेड होता है ना कि प्रॉफिट मेकिंग से। अब इस टॉपिक से रिलेटेड लॉ को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करूँगी। आई एम गोइंग टू पुट द टॉपिक इन कॉन्टेक्स्ट बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू नो दैट एसोसिएशंस नॉट फॉर प्रॉफिट आर डेल्ट विद अंडर वेरियस लॉज एंड नॉट जस्ट द कंपनीज एक्ट 2017। द रीज़न आई एम गोइंग टू डू दिस इज़ मैं ऐसा क्यों करूँगी कि मैं आपको दूसरे लॉज का भी ओवरव्यू दूंगी इस वीडियो में, सो दैट यू गेट टू नो, ताकि आपको ये पता चले कि अगर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज एक्ट के अंडर कोई क्रिएट कर रहा है तो उसका स्पेसिफिक एक रीज़न होता है, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट वाई इट्स प्रेफरेबल टू डू सो। सो लेट्स से 5-6 लोगों का एक ग्रुप है जो कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्रिएट करना चाह रहा है, एंड लाइक आई सेड और भी लॉज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप इस तरह की एसोसिएशन को रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन ये 5-6 लोगों का ग्रुप एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज एक्ट के थ्रू क्यों क्रिएट करना प्रेफर करेगा, इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है। मैंने अपनी दूसरी वीडियो में लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, एंड अगर आपने वो वीडियो देख ली है या फिर अदरवाइज़ आपको लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है तो यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट कि कंपनीज एक्ट के थ्रू एक कंपनी फॉर्म करने का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेजर एडवांटेज होता है दैट इज़ कि आपको कंपनीज का एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर का फ़ायदा मिल जाता है, विच इज़ दैट यू आर एबल टू क्लेम लिमिटेड लायबिलिटी। ओके, सो फार सो गुड। आई होप आपको अब तक ये तो क्लियर हो चुका है कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट इज़ क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट। हाउएवर पाकिस्तान में NGOs या NPOs क्रिएट करने का, NPOs से मुराद है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करने का, ये एक वाहिद तरीका नहीं होता। हाउएवर कंपनीज एक्ट के थ्रू अगर आप एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्रिएट करते हैं तो उसका एक बेस्ट एडवांटेज जो आपको मिलता है, और भी एडवांटेजेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, हाउएवर द मेजर एडवांटेज इज़ दैट यू आर गोइंग टू बी एबल टू क्लेम लिमिटेड लायबिलिटी फॉर योर कंपनी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ब्रीफली कि पाकिस्तान में एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जो कंपनीज एक्ट के थ्रू क्रिएट होती है उसके अलावा और कौन से तरीके हैं और कौन से लॉज एग्जिस्ट करते हैं अगर आपको एक NPO या NGO क्रिएट करनी है। देखें, इस स्लाइड में, इस पिक्चर में बेसिकली आप देख सकते हैं कि मैंने 5 लॉज मेंशन किए हैं विच रिलेट टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ NGOs/NPOs इन पाकिस्तान, एंड मैं बहुत ही ब्रीफली इनको डिस्कस करूँगी, डिटेल में नहीं जाएंगे हम बिकॉज दिस इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, लेकिन आपको एक ओवरव्यू दूंगी ताकि आपको ये पता हो कि और भी लॉज एग्जिस्ट करते हैं अदर दैन द कंपनीज एक्ट 2017। So generally I don't like to read out, especially when you can easily read the text for yourself. However, I am aware that some people are listening to my recordings when they are driving or you know doing something else, multitasking basically. So that is why I sometimes read out very quickly. So the first example that I've mentioned is the Societies Registration Act 1860. The second one is the Trust Act 1882. The third one is the Cooperative Societies Act 1925. And the fourth one is Voluntary Social Welfare Agencies Ordinance 1961. So these are the 4 examples that we're going to briefly discuss before we move on to the main topic of this video, that is the 5th one, Association Not For Profit.
Okay, so the first one that I'm going to discuss very briefly is the Societies Registration Act 1860. Just remember basically कि अगर आप एक society create कर रहे हैं for the promotion of literature, science, etc., so on and so forth, तो आप उसको Societies Registration Act 1860 के through register करवा सकते हैं. उसकी भी particular requirements होती हैं. For example, you have to have 7 or more people at least, and of course, you also have to fulfill the same kind, similar kind of requirements. For example, जो companies act में होती हैं, there is also a registrar of societies, जैसे SECP के behalf पे registrar होता है, इसी तरह से registrar of societies भी होता है. And of course, there is also a memorandum of association, जो कि आपको file कराना होता है with the registrar. So it's a similar kind of process, you can say, to a certain extent. However, the requirements do differ and it's not the same. Okay, so just remember कि societies इस act के अंडर भी register हो सकती हैं. Moving on to the other examples, जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत briefly explain करूँगी, इनमें detail में हम नहीं जाएंगे. तो the other one, for example, the Trust Act 1882 deals with public charitable trusts which are created for the benefit of society. Again, you see overlapping है थोड़ा सा कि this is again for the benefit of society. जैसा कि हम later on देखेंगे कि association not for profit भी basically exists for welfare purposes and basically exists for the benefit of society essentially at the end of the day. However, लेकिन public charitable trust की requirements कुछ और होती हैं, so just remember कि ये भी एक route होता है. Moving on, the next one, Voluntary Social Welfare Agencies Ordinance 1961 is again another example, not going to go into detail, just mentioning that this is another instance of a possible route, how you can get your welfare organization registered. And last but not the least, there's of course also the Cooperative Societies Act 1925. However, before moving on, I'm going to elaborate just a little bit more on the Cooperative Societies Act 1925. So as to remind you कि हमने जब body corporate का concept study किया था, and again मैंने इसके ऊपर एक अलग video बनाई है अगर आपने नहीं देखी, और if you already know about this, तो just remember that इसमें specifically एक exception हमने पढ़ी थी, and वो exception ये है जो कि आप slide में देख सकते हैं जहाँ पे लिखा है but does not include. So the first exception is कि a cooperative society registered under any law relating to the registration of cooperative societies. So this one is basically relating to what we just studied, कि अगर आपने एक society create की है जो कि आपने cooperative societies act 1925 में register की है, so this kind of cooperative society does not fall under the concept of body corporate, जिसको कि हम एक corporation भी कहते हैं, तो ये उसमें fall नहीं करेगा. But this is not that important, just remember this if you can. Okay, so moving on, I'm going to give a very brief overview of the topic, that is associations not for profit mein hum padhenge kya. Is overview mein I'm going to tell you exactly what this video is going to cover and what the next two videos are going to cover. However, one thing that I would like to mention at the outset is that, so like I said, in this video and the next few videos, we're going to be discussing associations not for profit, and I've already mentioned that there are various other laws, various other routes basically, which you can adopt in order to register, in order to get your NGO or NPO registered. However, just remember that there is one major benefit that you would get, and that is limited liability if you're going to adopt this route, that is get your association not for profit registered under Companies Act 2017 instead of any other law in Pakistan. Before we move on, let me very quickly tell you the relevant sections from the Companies Act 2017 that you have to remember relating to associations not for profit. The first one is Section 2, Subsection 54 of the Companies Act. The second one is Section 42, and the third one is Section 43 of the Companies Act 2017. So Section 42 is the key section regarding licensing of associations with not-for-profit objects, and the other relevant sections, like I've already mentioned, are sections 43. And just remember that in this video we have looked at an overview of the entire topic overall, and we have essentially tried to study the topic in context and see what kinds of other laws exist for NPOs or NGOs. So in this video, basically what we have done is we have put the whole topic in context, and we have tried to see what kind of other laws exist other than
Companies Act 2017, and other than that, I have given a very brief overview of what counts as an association not-for-profit. In the next video, that is the one relating to licensing of associations, we are going to look at the criteria and based on which you can obtain a license for your association not-for-profit. And in another video, we are going to study the reasons because of which your license can be revoked under certain circumstances by the SECP. And in another video, so basically there are three more videos related to this topic. Overall, there are four videos including this one. But in the final video, the fourth one, we're going to see what the effects of such revocation are on the license for the association not-for-profit.